कौन मालिक है मालूम का नहीं कहा कोई मजदूरी कर लेता बल्कि तेरे दर्जा में जाता अल्लाह का जिक्र कर ये अल्लाह ने खाना दे दिया तो सुभान अल्लाह और ये दुरूद शरीफ अल्लाह अल्लाह के जिक्र की बरकत और उस पाक फरमाते कि जब खाना तुम खाओ ने तो दो बार शुक्र करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा करो करो शुक्र पूछा ये क्यों कहा कि एक तो ये अल्लाह ने खाना दिया इसका शुक्र करो और दूसरा ये कि अल्लाह ने खाने की सलाह दी वरना मैंने बड़े बड़े अमीर को देखा है खाना नहीं खा सकते तो इसलिए जब भी खाना आए तो उसका शुक्र करो रब का शुक्र करो अल्लाह नेमत में बढ़ा देगा कपड़ा दिया अल्लाह ने शुक्र पानी दिया अल्लाह ने नेमत पिया अल्लाह तेरा करम करे करम करे शुक्र करो उस बात के लिए कामयाब हो जाए अल्लाह उसकी नेमत में और जाओ जो नेमत अल्लाह ने दी उसकी और जाओ एक और बात आई जरूर सही पड़ी अल्लाह हमारा सरेगा इमाम हुसैन सुनो क्या है ताकि हमको अगर एक ईट देते मैंने ये देखा पहले सेल्फी लेते और सबको भेजते ग्रुप में कि हमने ये गरीब को क्या है ये गरीब को ईट दी है कि अल्लाह अकबर एक जगह पर देखा कि पेपर में लिखा हुआ था कि एक बच्ची ने जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो जो सेठ था एक साल पहले उससे की कथा फरमाई थी और सेठ को कहा है तू बहुत अमीर है सही है लेकिन तेरी किट नहीं चाहिए तो किट देने वाले ने कहा कि क्या तुम अमीर हो गए हो तुम्हारा इतना पैसा आ गया है कहा नहीं मेरा बाकी बीमार है हमारे पास रोटी भी नहीं है खाने की तो कहा ये किट ले लो कहा नहीं लोगी कब क्या कहा कि तुमने किट ली और सेल भी ली जब तुम्हें स्कूल जाती हो तो बच्चे मुझे चिढ़ाते कहते वही गरीब है जो किट ली अल्लाह इसलिए हमें तेरी किट नहीं चाहिए तो ऐसा ना करो कि गरीब को सिर्फ महसूस हो अरे इमाम हसन कैसी सखावत करते हम तो दस देते तो लोगों को बताते कि भला फकीर को दस दिया इमाम हसन की सखावत आका फरमाते मैंने इमाम हसन को इल्म दिया अपना मदीना शरीफ में 400 मकान लिखे थे 400 घर में खाना पहुंचाया करते थे कब सुभान अल्लाह 400 घर का पूरा करते कितना एक दो नहीं 400 घर वाले हम तो अपने भाई को नहीं देते ये पोजीशन है लेकिन ये इमाम हसन की सखावत है और ये दुरूद शरीफ में ना होगा सलेगा करबला की बात है सुनो नहीं पाते तुम्हारे ईमान का जा इमाम हुसैन के घर जब इमाम कासिम पैदा हुआ ये तो तो दसवीं मुहर्रम की इमाम कासिम ने बचपन में रोजा रखा क्या रखा रोजा रखा रोजे की हालत में दुआ कबूल अल्लाह फरमाता है दुआएं मांगा कर रोजे की हालत में ये बाकी की ऐसी इबादत है सब्र तुम अगर दसवीं कुमार पता चले कि अल्लाह का जिक्र कर रहा है नमाज कुरान की किताब में पता चले अल्लाह का जिक्र कर रहा है कुरान पढ़ रहा है लेकिन रोजा ऐसी चीज है अगर तुम जब गलत किसी को बताओगे नहीं तब गलत बताएगा इमाम कासिम ने दसवीं मुहर्रम को रोजा रखा सत्ते में तो उनकी मां ने अपने सौर मंत्री इमाम हसन से कहा कि आज बच्चा दूध नहीं पीता देखो इमाम हसन का इल्म के इसलिए कि रसूल पाक के इमाम हसन घर में देख किया जाता है इल्म के बता हमारा अल्लाह के नाम से तो कहा बेगम बात यह कि ये हमारा कासिम बेहतरीन कर रहा है इसलिए कि करबला में से 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा इसलिए और आज दसवीं मुहर्रम है इसलिए उसे रोजा रखा है कहो दूध पीता है वो इमाम कासिम अर्जक पहलवान के सामने आया था और अर्जक बेटा ताकत वाला एक ही बार में फिनाल कर दिया लेकिन यजीदियों ने चारों तरफ से वार किया ना तो हाथ अलग हो गया सर अलग हो गया पैर अलग हो गया जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए मां अल्लाह अकबर नौजवान कलियर नौजवान ने मां ने देखा कि मेरा बेटा शहीद हो गया वो भी हजरत सहेब ने देखा कि मेरा पतीला शहीद हो गया इमाम
देखा मेरा भक्ति दस नहीं हो गया। कसम खुदा की जब इमाम हुसैन मैदान में आए तो इमाम कासिम के जिस्म पर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उसमें बीटी लग चुकी थी। कहा पैर है, कहा हाथ है, कहा सर है, चारों तरफ बीटी दुआ किया, अल्लाह ये तेरी रहमत तेरी रजा के लिए शहीद हुआ है। हकर पार्टी की जानी थी यजीद मलिक के दादा शराब पियो, एक बेट और दूसरी बेट के सामने निकाल कर लो हलाल, अल्लाह पर वो शराबी यजीद इसके मुकाबले में है कि मेरा भतीजा ऐ वाले मेरे भतीजा इमाम कासिम का लाशा नजर आया था, न उसका हाथ नजर आता है, न उसका पैर नजर आता है, इसलिए उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गैब से आवाज अल्लाह फरमाता है, इमाम हुसैन जहां जहां करीब जाओ कुरान पढ़ने की आवाज है, समझ इमाम हासिम का हाथ गौ सुभान अल्लाह, जब करीब गए हाथ बढ़ाता हाथ से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही गौ सुभान अल्लाह, करीब गए और सर पर बढ़ाता वहां कुरान पढ़ने की आवाज आ रही गौ सुभान अल्लाह, करीब गए बीटी को उठाया कुरान की आवाज आ रही हुआ इमाम कासिम का सर कभी हाथ कुरान इमाम हुसैन ने चाल पूछाए, कभी हाथ को जमा किया, कभी पैर को जमा किया, कभी सर को जमा किया, और जिस्म को जमा करने के बाद इमाम हुसैन ने वो पूरा जिस्म उठाया। देखो माँ है माँ कसम खुदा की, जब इमाम कासिम का लाशा लेकर जिस्म के टुकड़े टुकड़े लेकर आका हुसैन मौला हुसैन हक हुसैन आए, इमाम कासिम की माँ कह रही है आका हुसैन का मेरा बेटा सही हो गया। इमाम हुसैन ने कहा बाकी जान तुमने कैसे पता चला, अरे कहा मैं माँ हूँ माँ माँ हूँ माँ, 9 महीने पेट में रखा था इमाम कासिम को, 2 साल तक दूध पिलाया था, अरे माँ हूँ माँ उसको मुस्कु से पहचान लिया गया है, ये माँ मुस्कु से पहचान लेती है, इसलिए माँ बाप का हक अदा करो, हक ये कि दुनिया में है तो उसकी खिदमत करो, इंतकाम कर जाए इसी तरह बेहद सजाया करो, कब्रस्तान जाया करो, सवाब किया आका फरमाते सुबह उठ के माँ बाप का चेहरा देख लो, अल्लाह हज मबरूक का सवाब अदा फरमाए, अल्लाह हज मबरूक का सवाब अदा।